ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। धनु राशि वालों, आपके लिए क्या रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई तक का समय। ग्रहों का परिवर्तन तो हर क्षण होता है और हम आपके साथ रहते हैं। हर 10-10 दिन में हम आपको बताते रहते हैं क्या कुछ ग्रहों का योगा योग आपके लिए बन रहा है और कैसे आप उस समय को अनुकूल कर सकते हैं, अशुभ ग्रहों को शुभ में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, उपाय सब चीज का है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बीच मझधार में छोड़ दिया, डायग्नोज करा, उसके बाद कह दिया भैया इसका तो कोई उपाय नहीं है। नहीं, हर चीज का उपाय है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार से यदि समझ के करेंगे तो बिल्कुल किसी ना किसी प्रकार से उस कष्ट को डंडा मार के दूर भगा सकते हैं। तो धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जो समय आपके लिए आरंभ हुआ है 1 मई से लेकर 10 मई के बीच में, बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में आपके अंदर अदम्य उत्साह का भी साथ साथ वर्णन होगा। आपके लिए यदि हम ग्रहों के समझें तो बृहस्पति आपके लिए परम शुभ स्थिति स्थान में आ गए हैं। यदि आप राहु का उपचार हमने आपको बताया था करते रहेंगे तो बिल्कुल आप अपने कार्यों को बहुत बढ़िया से कर पाएंगे और ये वर्ष 12 वर्षों बाद आपके लिए समय ऐसा आ रहा है तो ऐसे में इसका सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति तो परिवर्तित हो ही चुके हैं और पूर्ण शक्ति में आ गए हैं, लेकिन राहु उन पर अंकुश लगा रहे हैं तो आपको लगातार राहु का उपचार करने की आवश्यकता है। ये आपको विशेष तौर पर समझ लेना चाहिए। हमने अलग से वीडियो बनाया था, उसमें ये आपको बात बताई ही थी। लेकिन अब समझे, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में क्या कुछ होने के योग है वो भी समझ लीजिए। ओवरऑल हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कुछ समय थोड़ा परेशान दे सकता है, जो खर्चे बढ़ा देगा आपको, अननेसेसरी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ परेशानी देगा, लेकिन ओवरऑल कई प्रकार से आपके लिए ये समय ऐसा रहेगा कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य कराएगा। आपके डिप्लोमेटिक डिसीजंस ऐसे होंगे कि जो सामने वालों को चारों खानों चित कर सकते हैं और बुद्धि के अनुसार आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा हो सकता है कि जो आपको झंझटों में फंसा दे, यानी उठापटक, बेकार के झंझटों में आपको फंसाने के योग दे सकता है। इसलिए बेकार के झंझटों में फंसने का प्रयास करें, अपने काम से काम रखते हुए कार्य करें। दूसरे वाले काम, जो व्यक्ति आपके साथ संबंध नहीं रख रहे हैं, काहे उनके पछड़ों में फंसने की जरूरत है। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। डेट वाइज समझ लीजिए क्या कुछ होने के योग है 1 मई से लेकर 10 मई के बीच में। सबसे पहले 1 मई की बात कर लेते हैं और पंचांग के अनुसार से 1 मई जो है वो बड़ी सुंदर तिथि बन रही है। उस दिन मोहिनी एकादशी है और एकादशी के दिन विशेष तौर पर कई प्रकार के शुभ योग बनते हैं। आपके लिए ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि भाग्य के अनुसार से बहुत लाभ के योग बनेंगे। समय अनुकूल है आपके लिए और यदि आप बिल्कुल सही से काम करेंगे, अपने डिप्लोमेटिक कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए काम करेंगे तो आपके विजय के प्रबल चांस दिखाई दे रहे हैं और समय आपके अनुकूल है, लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। केवल आपको एक काम करना है, उस दिन आप एक काम करें, सुबह सुबह मूली का दान करें और कार्य आरंभ करें। भ्राम भ्रिंग भ्रोंग से राहवे मंत्र का जप करें और भगवान विष्णु के निमित्त मोहिनी एकादशी है तो इसलिए एक काम करें कि भगवान विष्णु के निमित्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, शालिग्राम जी का और लड्डू गोपाल जी का पूजन पंचामृत से कर उस पंचामृत को ग्रहण करें। देखिए आपकी पर्सोना में, आपकी पर्सनैलिटी में अद्भुत प्रकार की विकास की प्राप्ति के योग बनेंगे। ये तो हो गया उपाय, प्रभाव क्या है वो भी हमने आपको बताया। वहीं 2 मई की बात करें तो 2 मई के दिन द्वादशी तिथि है विशेष तौर पर और परिवर्तन का योग बन रहा है, ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। ये थोड़े खर्चे बढ़ा सकता है आपके लिए, लेकिन ऐसा भी योग बन रहा है कि आपका कोई निष्क्रिय, आपका कोई खासतौर पर आपके कार्यों का से लाभ कोई नहीं ले पाएगा, आपको ही उसका लाभ मिलेगा। लेकिन आप ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे तब, लेकिन उस दिन ग्रहों का परिवर्तन एक विशेष तौर पर हो रहा है। मिथुन में जा रहे हैं, यानी मंगल के साथ जा रहे हैं शुक्र, दोपहर को 2 बजे के आसपास शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा, मंगल के साथ वो योग बना लेंगे और ये योग आपको खास तौर पर आपके अंदर बहुत अच्छे से योग देगा। लाभ आप अपने बुद्धि से, चातुर्य से बहुत सारे कार्यों को सही से पूर्ण करने के योग बना पाएंगे तो ऐसे में आपकी दिमाग की शतरंज चाल से बचना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपने भार्या का, पत्नी का, जीवन साथी का इस्तेमाल करते हुए, उनका सहयोग लेते हुए उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। वो आपके लिए बड़े लकी रहेंगे, उस समय का उपयोग करना चाहिए आपको खासतौर पर। वहीं हम बात करें 3 तारीख की, उस दिन प्रदोष है और प्रदोष भी कौन सा है, बुध प्रदोष है। व्यवसायिक बुद्धि को लाभ लेने के लिए इस वक्त बुध अस्त चल रहे हैं तो यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आपके व्यवसायिक क्षेत्र में, जमीन जायदाद के क्षेत्र में, बच्चों के लिए, संतान के लिए काफी अच्छे योग बना सकते हैं। बुध का अस्त होना, आपके पंचम भाव में बैठना, वो आपके संतान में खासतौर पर
और बुद्धि में कई प्रकार की थोड़ी सी कमजोरी लाता है, तो ऐसे में कोशिश करें भगवान शिव के मंदिर में जाकर शाम के समय विशेष तौर पर गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें, बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें और खासतौर पर उसका लाभ, समय का लाभ लेने का प्रयास, सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल होता है, ऐसे में इसका उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है और वो साफ साफ दिखा रहा है कि ऐसे में समय आपके अनुकूल होगा, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि केवल अपनी अपनी नहीं चलानी है, सबको साथ लेके चलना है, तो आप देखिएगा लाभ के योग बन पाएंगे। वहीं 4 तारीख को चतुर्दशी है और साथ साथ विशेष तौर पर नरसिंह जयंती है और छिन्नमस्तिका देवी की भी जयंती उस दिन है, तो यदि शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहे हैं और शत्रु किसी प्रकार भी शांत नहीं हो रहे हैं, तो इन दोनों स्वरूपों का, नरसिंह जयंती यानी भगवान नरसिंह जो संहार करने वाले हैं, जो दुष्टों का संहार करते हैं, और साथ साथ छिन्नमस्तिका माँ दुर्गा, दश महाविद्या के अंतर्गत इनका स्वरूप वर्णित किया गया है, और ये वहां उपयोग किए जाते हैं दोनों जो है कि जहां कोई और मंत्र कार्य नहीं कर रहा है, तो इसका लाभ ले सकते हैं। ग्रहों का परिवर्तन बहुत बढ़िया आपके लिए हो गया है और ये परिवर्तन विशेष तौर पर दिखा रहा है कि सुबह 9:23 पर चंद्रमा जो परिवर्तन होगा विशेष तौर पर 4 तारीख को, वो धनु राशि वालों के लिए बड़ा अनुकूल रहेगा, वो आपके लिए लाभ के योग बनाएगा और खासतौर पर आगे बढ़ने के योग भी बनाएगा, और खासतौर पर गजकेसरी योग विद्यमान होकर आपको लाभ की स्थिति बना सकता है। इसका लाभ आप पूर्ण तरह से लेने का प्रयास कीजिए। शुक्र भी बहुत अच्छा है, मंगल भी बहुत अच्छा है, तो जो भी आप चल रहे हैं उसका पूर्ण उपयोग आपको प्राप्त होगा, अच्छे से आप उसका लाभ लेते दिखाई दे रहे हैं। दोनों दिन ऐसा ही योग बना हुआ है। 5 मई को भी इसी प्रकार का योग है वृश्चिक राशि वालों, धनु राशि वालों के लिए, जो खासतौर पर कई प्रकार के लाभ के संकेत दे रहा है। गजकेसरी योग आज भी विद्यमान रहेगा आपके लिए, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ वैशाख पूर्णिमा का स्नान का पुण्य भी बड़ा शास्त्र में बताया गया है, और साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा है, कूर्म जयंती है, सत्यनारायण जी की व्रत का कथा भी आज के दिन पुण्य कहे गया है, और साथ साथ आज दिन पीपल का पूजन भी करने का विधान है। कहा जाता है कि आयु प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए इस दिन पीपल का पूजन करना चाहिए। पीपल की उत्पत्ति, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है और उसकी उत्पत्ति की तिथि यही बताई गई है वैशाख पूर्णिमा। तो विशेष तौर पर शनि के दोषों को शमन करने के लिए, सब प्रकार से ठीक करने के लिए, शनि थोड़ा सा आपको आलस प्रवृत्ति कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर पूजन कर ले पीपल का। एक बात और, शायद बहुत सारे चैनलों पर यह कहीं नहीं बताई जाएगी आपको बात, हम बता रहे हैं, इस दिन छाया चंद्र ग्रहण है। आमतौर पर इसका सूतक नहीं लगता है लेकिन पुण्य काल विद्यमान होता है, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा केवल धूमिल होता है, तो ऐसे में क्योंकि जो आपके ग्रह हैं बहुत ही अनुकूल हैं, सोने पे सुहागा चाहते हैं, तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं आप। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के निमित्त आप एक काम करें, राहु आपका ठीक नहीं चल रहा है तो आप उसका भी उपयोग कर लीजिए इस समय में। ये 4 घंटे का समय है, करीब रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय है। चंद्र ग्रहण के समय में ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः, इसका कुछ जप कर लीजिए। साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम आव जातव, ये श्री सूक्त के मंत्र हैं। इनका यदि हवन कर सकें तो बहुत सुंदर रहेगा। साथ साथ ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए, और भगवान शंकर के मंत्र से संपुट युक्त कर यदि राहु के मंत्र का उपयोग इस ग्रहण काल में कर लेंगे तो आप मान लीजिए राहु का उपयोग उपाय हो जाएगा। ये 12 वर्ष बाद जो बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहा है, कई सारे सबको कंट्रोल करने के योग दे रहा है, अक्टूबर तक उसमें अंकुश लगा रहे हैं राहु, उसको आप बिल्कुल इरेडिकेट कर सकते हैं, बिल्कुल साफ कर सकते हैं उसके दुष्प्रभाव को। तो यह आप समझ लीजिए, इस सूत्र रूप में धनु राशि वालों यदि इसका उपयोग कर लें तो बहुत सुंदर होगा, वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। ये हमने आपको सूत्र बता दिया है, आप इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 6 मई की हम बात कर लें तो 6 मई के लिए शनि का परिवर्तन, जो विशेष तौर पर शनिवार का अवसर है, ज्येष्ठ का महीना आरंभ हो जाएगा उस दिन, प्रतिपदा है, और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है, और ये ग्रहों का परिवर्तन आपके अनुकूल नहीं है। दोपहर से पहले पहले कोशिश करें कार्यों को सही से पूर्ण करने का, दोपहर के बाद का समय थोड़ा कमजोर हो जाएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है उससे पहले ही कर लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है, शनि स्तोत्र का पाठ करें, उड़द की दाल का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 मई को भी ग्रहों का योगायोग इसी प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है, चंद्रमा शीर्ण चल रहे हैं, और ऐसे में वृश्चिक धनु राशि वालों को खासतौर पे अपने आप को मोटिवेट करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा आपके द्वादशवें भाव में कमजोर होकर चल रहे हैं, आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट कर सकते हैं, मन को अशांत कर सकते हैं, थोड़ा सा आलस की प्रवृत्ति ज्यादा हो सकती है, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, बेकार के कार्यों में जुर्माने हो सकते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपको विशेष तौर पर चंद्र का उपाय करने की जरूरत है। आप एक काम करें, खीर बनाकर किसी गरीब व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को आप दें, गौ का पूजन करें, गौ के निमित्त आप विशेष तौर पर यदि जौ का आटा विशेष तौर पर बनाकर वो गाय गौशाला में दलवा देंगे तो वो अच्छा रहेगा, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे।
ये 6 और 7 के लिए हमने आपको बता ही दिया, कुंभ राशि विशेष तौर पर धनु राशि वालों के लिए। यदि हम 8 तारीख की बात करें तो उस दिन ग्रहों का परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन आपके लिए शुभ होने के योग बनेंगे, लेकिन दिन का समय फिर भी थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। शाम का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, उसका लाभ आपको मिल सकता है, क्योंकि फिर चंद्रमा बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे, वो आपको लाभ देने के योग बना देंगे, तो आप उसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 तारीख का दिन सुबह थोड़ी ढीली है, शाम को आपको लाभ होने के योग बनेंगे, तो धनु राशि वालों शाम का उपयोग करने का प्रयास कीजिए। उस दिन गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश के मंदिर में जाकर सोमवार का अवसर है, तो कोशिश करें भगवान गणेश और विशेष तौर पर शंकर जी की स्तुति करें, दूर्वा उन्हें अर्पित करें, बिल्वपत्र अर्पित करें, कल्याण होगा। उस दिन भद्रा भी है, तो नए कार्य आरंभ करने के लिए समय अच्छा नहीं है। पूरे दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक करी करी भद्रा रहेगी, तो उसका बचते हुए कार्य करें। 9 और 10 तारीख का यदि हम भविष्य समझने का प्रयास करें, दोनों तिथियां बहुत अच्छी हैं। 9 तारीख तो बहुत ही अच्छी है और वो बहुत ही सुंदर योग बना रही है, आपके कार्यों को पूर्ण तरह संपादित आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से लाभ लेने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी बुद्धि का पूर्ण उपयोग करें और उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ मिल सकता है। उस दिन अंगारक चतुर्थी है, मंगलवार और चंद्रमा खासतौर पर मंगलवार का और चतुर्थी का योग बन रहा है, और ये योग जो है कई प्रकार के मंगल को दोषों को दूर करने के योग बनाता है। ऐसे में यदि सुंदरकांड का पाठ कर लें तो समझ लें कि आपके आने वाले समय में राहु के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए आप सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं, और मंगल आगे कमजोर हो जाएगा। मंगल विशेष तौर पर आगे जा कल जो यानी अगले दिन से जो है वो कम नीच के होने जा रहे हैं, कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे में हतोत्साहित हो जाएंगे, आप बृहस्पति का पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में इस दिन विशेष तौर पर अंगारक चतुर्थी के दिन सुंदर कांड का सुंदर पाठ करें। हमने आश्रम पर भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा है, उस दिन अंगारक चतुर्थी है, तो खासतौर पर उस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हमने सुंदर कांड का सुंदर आयोजन किया है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, आश्रम में आके इसका लाभ ले सकते हैं, कल्याणकारी योग बनेंगे। और 10 तारीख की हम बात करें तो विशेष तौर पर धनु राशि वालों के लिए 10 तारीख का समय भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। इस दिन मंगल में जैसा हमने अभी बताया कर्क में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर के समय, लेकिन बुध उदय हो जाएंगे, एक अच्छा एक कष्ट वाला। वहीं मंगल चंद्रमा जो है वो आपके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, एक खर्चा बढ़ाएगा, एक खासतौर पर आपके मन को तोड़ेगा, एक बुध जो उदय होगा वो आपकी व्यावसायिक बुद्धि को ठीक करेगा, यानी कुछ अच्छा कुछ खराब, कोशिश ये करें इसका उपाय करने का प्रयास कीजिए। बुधवार का अवसर है, भगवान का स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।